तब्दीली सरकार ने महजबीनों के बनाओ सिंगार को महंगा कर लिया है, मगर एक खातून ऐसी भी हैं जिसने मेकअप के शौक को अपना जुनून बना लिया है और उसे मेकअप आइटम्स पर नए टैक्सों की कोई परवाह नहीं है। वो खातून कौन है, मिलवा रही हैं मायरा हाशमी अपनी इस रिपोर्ट में। हालिया बजट में मेकअप प्रोडक्ट्स पर टैक्स की शरह बढ़ी तो सनफे नाजुक के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। एक तरफ खवातीन शशोपंच में हैं कि महंगा मेकअप कैसे खरीदा जाए, वहीं दूसरी जानिब एक खातून ऐसी भी है जो मेकअप की दीवानी है और इसे महंगाई की कुछ परवाह नहीं। आयशा साई नामी खातून ने 4 करोड़ के महंगे तरीन मेकअप आइटम से घर को सजा लिया। दुनिया भर के कॉस्मेटिक से सजा रंगारंग कमरा, यहाँ आयशा साई रोजाना खूब से खूबतर नजर आने के लिए इन कीमती अशिया को इस्तेमाल करती हैं। नित नए अबाए भी जेब तन करती हैं। ये तो एक शौक की बात होती है, किसी को महंगी गाड़ियों का शौक होता है, किसी को महंगी घड़ियों का शौक होता है और उसी तरह से मुझे जो है वो मेकअप कलेक्ट करने का शौक है। मैं तो शुरू से ही मैंने देखा है कि हर लड़की हर औरत जो है वो दुनिया में मेकअप करती है, बेशक वो थोड़ा करे या ज्यादा करे वो करती जरूर है। आयशा का कहना है मेकअप से शख्सियत में निखार आ जाता है। मेकअप की नित नई अशिया इकट्ठी करना और उन पर रिसर्च करना इसका पसंदीदा मुश्किला है। अच्छा आयशा, आपके खूबसूरत आने के इस फितरी शौक में कभी शोहर ने मुनफरिद अंदाज में बयान किया हो कि शोके सिंघार बजा है तेरा, लेकिन मेरी सारी तनख्वाह तेरे सदकात में उड़ जाएगी? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जाहिरी सी बात है हर मर्द को शौक़ होता है कहीं ना कहीं कि उसकी बीवी अच्छी लगे, खूबसूरत लगे। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ज़्यादा शौक़ है और आप वैसे भी सऊदीया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं और औरतें जो हैं वो अपने इतर परफ्यूम हस्बैंड के लिए भी बहुत, और वैसे भी मॉल्स में आप जाएँ तो आपको खुशबू एक बड़ी खूबसूरत महसूस होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लिए तैयार होना और रोज़ तैयार होना और उनके लिए तैयार होना, उनको भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। मेकअप की दीवानी आयशा का जब दिल करता है वो तैयार होती है। शोहर सऊदी अरब से इसे मेकअप किट्स में नित नए शेड्स की सुर्खियाँ, आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कॉस्मेटिक्स का दिगर बेश कीमत सामान भेजता रहता है। ये बात हकीकत है कि मेकअप के बगैर आयशा खुद को अधूरा समझती है। ये महंगा भी हो तो परवाह नहीं, क्योंकि सजना संवरना ही आयशा की पहचान है। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ मायरा हाशमी, लाहौर।